पहले मैं अपने आप को बेनकाब ठीक है, चूंकि चंद ही दोस्त है यहाँ पे, तो कोई लंबे चौड़े तारुफ की जरूरत नहीं। डॉक्टर तारिक बनूरी ने पीएचडी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, फिर प्रोफेसर लगे थे यूटा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में। मेरी इनसे पहली मुलाकात शायद 1991-92 में हुई होगी, जब इन्होंने एसटीपीआई यहाँ शुरू किया था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उस वक्त। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में काम करते रहे, आईयूसीएन के साथ थे आप शायद, बड़ी अहम रिपोर्टें लिखी, और अब चेयरमैन एचईसी हैं। तो आज हम इनसे सुनना चाह रहे हैं कि आला तालीम को यहाँ कैसे ठीक किया जाए, और इन्होंने क्या कुछ सोचा है उसकी बाबत। सस्ता भी ठीक और सस्ता कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन साहब ने इनवाइट किया था, वो खुद तो जो है प्लेइंग इट सेफ तशरीफ नहीं लाए, जमीन साहब ने अरेंज किया। तो दे वर ऑल्सो वेरी काइंड के इन्होंने तीन सवाल भेज दिए जो बहुत फंडामेंटल सवाल हैं। एक तो ओवरऑल गवर्नेंस का है, जिसमें 18th अमेंडमेंट का इशू भी शामिल है, फिर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो क्वालिटी का है। एंड आई थिंक व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट रियली इज़ दैट, एंड ऑफ कोर्स आप में परवेज़ नैयर इन चीज़ों के ऊपर ओपाइन करते रहें। सो we'll definitely have a good discussion. I think generally काफ़ी हद तक जो जो क्या कहते हैं जिन्होंने गौर से इसका मुतालिया किया और न्यूट्रली उसको देखा, आई थिंक दे आर ऑल मोर और लेस इन एग्रीमेंट के क्या होना चाहिए। बारकैफ मैं दूसरी चीज़ों पर ज़रा थोड़ी थोड़ी सॉर्ट ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करूँगा, और ज़्यादा चीज़ मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी भी। एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है 18th अमेंडमेंट का। मुझे तो उसमें इतना बड़ा नहीं लगता जितना कि हमने उसको बना लिया, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि हमारा वो उसमें पर्सपेक्टिव क्या है। मैंने हायर एजुकेशन के ऊपर जो 18th अमेंडमेंट की पूरी फाइल है वो पढ़ी है। वो फाइल ऐसी है, ऐसी लगती है कि जैसे जो डिवोर्स के लॉयर्स होते हैं ना, तलाक के वकील के, उन लोगों ने लिखी, राइट। उसमें ज़्यादातर यही है कि अच्छा ये आप ले लें, ये मैं ले लूँ, इसको आधा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो मैंने जब बातें शुरू की दूसरे प्रोविंस से, तो उनसे मैंने ये कहा कि देखो यार, जब डिवोर्स का भी इशू आता है तो जब बच्चों का इशू आता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इवन दो बाकी चीज़ों में आप कहते हैं कि बंटवारा कर लें, लेकिन जब बच्चों का इशू आता है तो वी नीड टू कम टुगेदर ऑन दिस थिंग। वो हम 10 साल में हम उसके ऊपर अभी तक एक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। हालांकि एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ रादर इंटरेस्टिंग इशू, अगर आप HEC को देखें तो ऐसा लगता है कि ये 18th अमेंडमेंट की पर्सपेक्टिव में बनाया गया था ये इदारा। वो इस तरह के HEC का जो डिसीशन मेकिंग बॉडी है वो है कमीशन। कमीशन के 18 मेंबरान हैं, जिसमें से दो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वफाकी गवर्नमेंट के हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चार मेंबर जो हैं वो चारों सूबों से हैं। फिर उसके अलावा 10 एमिनेंट मेंबर्स हैं, वो हालांकि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपॉइंट हुए हैं, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसको कुछ वो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपके इल्म में होगा।
सिंध से शम्स कासिम लाखा साहब हैं, बहुत एमिनेंट वो हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। शहनाज वजीर अली साहिबा हैं, लाबिस्ट की सदर हैं इस वक्त। भवानी शंकर चौधरी साहब हैं जो प्रोफेसर हैं मेहरान यूनिवर्सिटी में, बहुत उनका भी रिस्पेक्टेबल वो हैं। बलूचिस्तान से फारूक बाजई साहब हैं जो कि ब्यूटम्स के वाइस चांसलर हैं, और उन्होंने ब्यूटम्स को एक यानी छोटा शहर है तकरीबन क्वेटा, जिसमें कि एक इतना वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ब्यूटम्स की क्वालिटी में इजाफा करने में काफ़ी मेहनत भी की है और कामयाबी भी हासिल की है। इसके अलावा जावेद साहब हैं जो कि सबका वाइस चांसलर होते थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। पंजाब से फैसल बारी साहब हैं जिनके अखबार में आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, प्रोफेसर एलम्स में। नवीद मलिक साहब हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। जनरल असगर हैं जो कि इसके थे रेक्टर थे लस्ट के, और आसिफ सुखेरा साहब हैं जो सर्जन जनरल होते थे, मतलब मुख्तलिफ फील्ड से उन्होंने वो किया। और फ्रंटियर से सनिया निश्तर साहब हैं, तो वो जनरली मतलब है, हालांकि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में होते हैं फिर भी करते हैं। तो मगर जो चीज़ जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि HEC का हर फैसला सूबों की भी और विफाक की भी अप्रूवल के साथ होता है। दिस इज़ रियली जिसे एक कहते हैं पोस्ट मॉडर्न, तो दिस इज़ रियली अ पोस्ट 18th अमेंडमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑलरेडी सब लोग को शामिल किया गया, आपकी राय की बुनियाद पे फैसला किया जाएगा, और आज तक हमारे तमाम फैसले जो हुए हैं कंसेंसस के साथ हुए हैं, और कंसेंसस के साथ तमाम सूबों ने और विफाक ने और इंडिपेंडेंट लोगों ने उसको इंडोर्स किया है। कोई फैसला ऐसा नहीं है, इसमें एक फैसले में सिर्फ TTS में एक प्राइवेट मेंबर ने इख्तराफ किया था, लेकिन बाकी हर फैसले पे कंसेंसस का फैसला। तो अगर देखें कि आपने उसके बाद 18th अमेंडमेंट के बाद आपने बंटवारा कर भी लिया, तो आपने एक ऐसा इदारा बना दिया जो कि मिल के काम कर सके। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इनोवेशन, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ लेसन कि बाकी अगर एरियाज़ में हमने कोऑपरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। यू कैन सेट अप दोज इंस्टीट्यूशन जो कि इसमें काम कर सकते हैं। 18th अमेंडमेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया कि आप इस तरह से कोऑपरेट करें। सो मेरा फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है। इसमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त हमारी हुई है, सूबों के साथ हमने बातें की हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया, इस अप्रोच को, और यह भी, और हमने उनसे ये कहा सॉरी कि आप अपनी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है इसको फॉल बनाएं ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो सही तौर से रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि यू नो यू हैव कॉन्फिडेंस। एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स हैज़ बीन वेरी सिंपल। मैंने कहा जी HEC is your organization, we want your support. It is a technical organization, it's a professional organization, it is meant to help you, it is meant to help your children become successful in life. Aap isko support karenge to ye hoga. Agar isi tarah se hum conflict mein karte rahenge to wo usse kisi ko fayda nahi pahunchega, khas taur pe jo students hain wo suffer karenge. Is waqt kafi had tak us jo शुरू में कन्फ्यूजन थी जिसको काफ़ी हद तक मैंने आके उसका टेम्परेचर लोअर करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि हमें काफ़ी उसमें पेशरफ्त भी हुई है। उसमें हमने कोशिश यही की है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक कन्फ्यूजन का माहौल है कि हम इधर देखें या उधर देखें, उस माहौल को ज़रा कम किया जाए और उनको एक यू नो क्लियर डायरेक्शन मिले कि आपने कहाँ जाना। एंड आई वुड से कि यू नो तमाम सूबों ने इसको ज़रा पॉजिटिवली लिया है। आपने देख लिया होगा कि जो प्रोविंशियल HEC जहाँ पे बनी भी हैं तो वो भी बहुत इस वक्त कोऑपरेटिव मोड में हमारे साथ बातें कर रहे हैं। एक सूबे ने तो ऑलरेडी में अनाउंस भी किया कि जी हम इसको शायद ख़त्म ही कर दें, बाकी सूबों ने कहा कि इसको क्लैरिफाई करें ताकि आपके साथ मिल के काम करें एक्सेट्रा। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट वर्किंग ऑन दिस थिंग।
ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, अगर आप एक एक यू नो एक बहुत आम फहम सी चीज़ है उसको आप एक गलत अंदाज़ में लेंगे तो वही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी, उसी को आप ज़रा सही तौर से सोचेंगे तो वही चीज़ आपके लिए सोल्यूशन बन जाती है। तो इसमें हमारे लिए एक सोल्यूशन है और कोऑपरेशन में इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी बात कहना ज़रूरी है कि पीछे बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन भी आई और उसमें यानी एक लोगों के लिए एक क्राइसिस भी क्रिएट हुआ। वो जब मैं चीफ मिनिस्टर से मिल रहा था तो उनको एक कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी वो मैं सुनाता था कि वो आपने भी सुनी होगी, क्योंकि ये यहाँ पे कॉमन के रंजीत सिंह महाराजा जो वो कहीं पे गया तो वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे लाइन में, तो उसने कहा कि हाँ भाई तो ये आप कौन है, एक से पूछा भी तुम कौन है, कहता जी मैं पटवारी हूँ, उसने कहा तुम क्या करते हो, उसने बताया मैं क्या करता, दूसरे से पूछा कहता है जी मैं गिरदावर हूँ तुम क्या करते हो, कहते जी मैं इसके काम को इंस्पेक्ट करता हूँ, तीसरे से कहा मैं कानून को मैं इसके काम को देखता हूँ, चौथे से कहा मैं नायब तहसील। तो रंजीत सिंह कहते मैं काणा जरूर हूँ पर अन्ना नहीं, एक बंदा कम करे थे नौ बंदे उन्होंने वेखण। तो अब हमारे यहाँ सिचुएशन ये होगी कि एक यूनिवर्सिटी है, वाइस चांसलर है, वो उसको वैसे भी और काफ़ी वो प्रेशर्स हैं मसाइल, इधर से HEC कह रही है आप ऐसे करें, उधर से प्रोविंशियल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है आप ऐसे करें, फिर प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन कह रही है आप ऐसे करें, चांसलर साहब कुछ और फरमा रहे, बीच में कोर्ट्स आके कुछ और यू नो नई चीज़ें वो कर रही है। सो यू नो द मेन थिंग इज के दिस इज़ नॉट गुड फॉर द एजुकेशन सेक्टर, इट्स नॉट गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन, इज नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट। हमें चाहिए कि ज़रा इनको इंटीग्रेट करें और वो साथ लेके चलें। सो इस वक्त यू नो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी पेशरफ किए, हमने क्लैरिफाई कर लिया है कि अगर जो भी प्रोविंशियल वो होंगी उस वो क्या करेंगी, हम क्या करेंगे। बुनियादी डिफरेंस ये है, मैं आपको समझा दूँ, बुनियादी डिफरेंस ये है कि मैनेजमेंट जो कहते हैं वो एक फ्रेम एक एक वो है एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में हम कोशिश करते हैं कि इंटरफेयर ना करें, पहले बहुत ज़्यादा करते थे, अब मेरे आने के बाद हमने काफ़ी उसमें कम कर दिया। और मैं लोगों को ये मिसाल देता हूँ कि भाई अगर एक यूनिवर्सिटी है, लेट्स से आगा खान यूनिवर्सिटी है, हम उसको नहीं कहते कि आप किसको वाइस चांसलर लगाएं, आप किसको प्रोफेसर लगाएं, आप किसको वो करें, यू नो आई मीन सारे इंटरनल उनके प्रोग्राम्स हैं, हम उनको नहीं कहते। मैंने कहा आइडियली व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को भी उसी तरह ट्रीट करें, आप लगाएं, हम आपके स्टैंडर्ड्स को देखेंगे कि आप स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हैं नहीं, एट मोस्ट वी विल सेट अप मिनिमम स्टैंडर्ड्स ताकि मिनिमम से कोई नीचे ना जाए, और फिर आपको थोड़ा सा प्रेशर करेंगे कि आप स्टैंडर्ड से ऊपर जाएं, वो चाहे आप पब्लिक हों प्राइवेट हों सबके लिए हम यकसां करते। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मैनेजमेंट में ना करें, लेट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डू इट। अगर कोई बहुत ही एग्रीजियस किस्म के प्रॉब्लम्स आए तो फिर उनको हम हाईलाइट करें, बट अदरवाइज वी लीव इट टू द यूनिवर्सिटीज टू डू इट। रियली व्हाट आई वांट टू डू इज के जी द यूनिवर्सिटीज शुड बी फुल्ली 100% ऑटोनोमस, अपने फैसले करें और उन फैसलों के बुनियाद पे जो है वो यूनिवर्सिटी भी वो बिल्ड करें। बट ऑफकोर्स दैट डिपेंड्स कि वो क्वालिटी में कमिटमेंट है या नहीं है और वो कैसे क्वालिटी को कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं फिर थोड़ी सी बात करता हूँ। But I hope you understand my view on this. If there are further questions, I can address. Finance का एक issue भी है और थोड़ा सा उसको भी ज़रा सही तौर से देखने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर आपने जो affordability का issue भी लिया वो भी एक important है। देखें आला तालीम जो है हर जगह हो रही है, हमने तमाम यूनिवर्सिटी से पूछा कि ट्यूशन कुछ आप भूल जाएं, हमें सिर्फ आप ये बताएं कि एक स्टूडेंट को तालीम देने पे आपके कितने पैसे लगते हैं, आपका बजट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पाकिस्तान में अच्छी भली रेंज है, कोई तो बहुत एक्सपेंसिव है 8 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख, और वो उसी हिसाब से ट्यूशन भी लेते हैं। लेकिन जो लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 1.5-2 लाख, ये इंजीनियरिंग मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा है उसके 3-1 लाख के बराबर हो जाती है, लेकिन ये दूसरी जो है 1.5-2 लाख रुपए में पर स्टूडेंट पर ईयर उनका टोटल बजट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप ये समझ रहे हैं कि $1,000 पर स्टूडेंट पर ईयर,
Now, of course, if I look at Europe, it is $25,000 plus. If I look at the US, it's $50,000. Okay. Even if I look at our neighboring countries, तो $2,000 से कम हमें कहीं पे भी नहीं मिलता. तो पहली बात मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इस वक्त पर स्टूडेंट कॉस्ट है, इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड. एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ वेरिएशन जैसे मैंने अर्ज किया कि हैं. तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि यहाँ पे वेस्टेज भी है, इनएफिशिएंसी भी है, करप्शन भी शायद होगी. चूँकि कैमरा पे है तो मैं इससे सख्त बात नहीं कर सकता. हाँ, मगर जब तक अब कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाए तो वो रिकॉर्ड. यहाँ पे ये रूल बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो है. तो तो मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि सब चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों के बावजूद दी टोटल कॉस्ट इज लो. और कोशिश भी हमारी भी यही है कि इसकी टोटल कॉस्ट लो रखी जाए, नंबर वन. नंबर टू, आप इसको इस तरह से भी देख लें कि जो फिर हम फंडिंग प्रोवाइड करते हैं HEC की तरफ से, वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को की जाती है. उसके और भी कुछ यूजेस हैं जिस पर मैं आता हूँ, लेकिन एक बुनियादी चीज़ ये है कि जितनी उनकी कॉस्ट है उससे भी कम पे वो तालीम प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो अगर उनके 1.5 लाख रुपये लगते हैं तो वो ट्यूशन जो है वो 50,000 कहीं पे ले रहे हैं, कहीं पे 75,000 ले रहे हैं, कहीं पे 60,000 ले रहे हैं. तो बाकी जो गैप है वो इसी तरह से फिल होता है. कुछ गवर्नमेंट ग्रांट से आ जाता है, कुछ दूसरे उनके कुछ रिसोर्सेज हैं उनसे आ जाता है. सो दिस इज़ ऑल अ वे. और कुछ स्कॉलरशिप से आ जाता है, जैसे एहसास स्कॉलरशिप हमने शुरू करें. सो दिस इज़ ऑल अ वे ऑफ लोअरिंग द कॉस्ट. लेकिन उसमें चूँकि पिछले 2-3 साल में जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत कट्स लगे, तो उसमें मज़ीद हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम वी फाइंड अदर वेज इन विच वी कैन लोअर आर कॉस्ट. जिसमें कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर वो कर रहे हैं कि फ़ंड रेजिंग कैसे की जाए, अगर कुछ और तरीके हो सकते हैं वो उन पर भी कुछ थोड़ा सा मैं जो हम उसके बारे में उनको सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये जो हम कॉस्ट कम दे करके देते हैं, ये सबको मिलनी चाहिए या सिर्फ गरीब बच्चों को मिलनी चाहिए? आई मीन इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन कि जी अगर एक आपकी तालीम पे ख़र्चा आपका आ रहा है 2 लाख रुपए, और आप अमीर और गरीब से तफरीक के बगैर सबसे 50,000 रुपए ले रहे हैं, इज़ दैट द राइट थिंग टू डू? और शुड वी एक्चुअली से कि जी जो अफोर्ड कर सकता है वो 2 लाख दे दे, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो 50,000 दे दे, या उसके 0 दे दे, जैसे हमने ये एहसास स्कॉलरशिप वगैरह की. तो कुछ हमने यूनिवर्सिटी से ही कहा कि इस वक्त तो हम ये तो आपको नहीं एडवाइस करेंगे कि बगैर सोचे समझे इसको बढ़ा दो, क्योंकि उसको फिर मैनेज करना मुश्किल है. मैं कम अज़ कम ये आप करें कि जब आप स्टूडेंट को लिख के दें कि जी आपको इस साल ये ट्यूशन का बिल आप उनको भेजेंगे ना कि जी आप ट्यूशन पे करें, उसमें लिख दें कि जी आपकी तालीम पे इस साल हमारा ख़र्चा 1,87,590 रुपये आया, आपकी ट्यूशन में हम 68,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, बाकी जो है वो आपको सब्सिडी दे रहे हैं या स्कॉलरशिप दे रहे हैं. ताकि मैंने कहा लोगों को पता होना चाहिए कि इस वक्त जो है सब्सिडी ऑलरेडी बिल्ट इन है हमारे उसमें प्रोग्राम. प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं कर रही, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी क्वालिटी की हैं, वो जितनी उनकी कॉस्ट है उन्होंने रिकवर करनी है, वो तो जो उनकी कॉस्ट आती है उसी तरह वो फॉरवर्ड कर देते हैं. कुछ हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट फुल कॉस्ट चार्ज कर रही हैं. यहाँ पे भी जैसे बहरिया या एयर यूनिवर्सिटी, उनकी फ़ीस जो है 6 लाख 4 लाख इस रेंज में है, विच इज़ मोर और लेस व्हाट इट कॉस्ट है. फिर इसके अलावा हमने उनसे दूसरे ये इश्यूज़ रेज किए कि इसमें मज़ीद आपको देखने की ज़रूरत. नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर सेइंग नॉट बिकॉज वी थिंक के ये जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है ये परमानेंट होगा. वी डोंट नो, अब तो कोविड वगैरह की वजह से शायद ज़्यादा देर तक चले, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि इस किस्म की थिंकिंग कम अज़ कम यूनिवर्सिटीज़ में आनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी जो है इसको सीरियसली ले सके. करती है, उसके टोटल में द अमाउंट इज़ वेरी स्मॉल. मतलब जब जैसे हम
रिकरिंग ग्रांट में 60 बिलियन देते हैं तो उनका टोटल मिला के कुछ 5-7 बिलियन के करीब होगा, तो इट्स वेरी स्मॉल। वो भी उनसे हमने कहा कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी को फंडिंग करे और कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने भी प्रोवाइड की है। अपनी तरफ से हमने एक चीज़ ये ज़रूर कर दी है कि पहले जब हम फंडिंग बनाते थे तो उसमें कुछ थोड़ी सी एडहॉक वो होती थी और ये होता था कि उसमें डिस्क्रेशनरी अमाउंट्स थे, जो एक सिस्टम है जैसे लोगों ने रखा हुआ। तो मैंने आने के बाद ये किया है कि वो डिस्क्रेशनरी अमाउंट्स ख़त्म कर दिए, वो एडहॉक ख़त्म कर दिया, उसका फार्मूला बना दिया, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद लोग आते हैं कि जी हमारा फिनेंशियल क्राइसिस है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड मैं उनको अपनी जेबें निकाल के दिखा देता हूँ कि हमारे पास तो कुछ नहीं। उसका पर्पज़ ये नहीं है कि हम उनको वो करें, उसका पर्पज़ ये है कि जो हमारी डिस्क्रेशनरी फंडिंग है उसकी वजह से वो अपने इंटरनल मामलात को अटेंशन कम थी, हमारे ऊपर अटेंशन ज़्यादा थी कि हम आके उनको बेल आउट करें। तो हमने एक अल्टरनेटिव अप्रोच इस्तेमाल किए कि अल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि दिस इज़ अ रूल मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ द रूल, इस रूल के हिसाब से हम आप फंडिंग करेंगे और फिर इसमें मज़ीद कुछ वो नहीं होगा, ताकि आप अपने जो कॉस्ट्स हैं और अपने जो रेवेन्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करें, दैट इज़ योर रियल इशू। हमारी तरफ से मिल जाता है तो इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेवी, लेकिन जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मिलेगा, उससे हम इधर उधर वो नहीं करें। और मैं सबसे वाइस चांसलर से मैंने ये कहा हुआ, मैंने कहा आप मेरे पास मिलने आते हैं ज़रूर आइए, वी कैन टॉक अबाउट एजुकेशन, वी कैन टॉक अबाउट क्वालिटी, वी कैन टॉक अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बट डोंट कम टू मी टू आस्क फॉर फेवर्स बिकॉज आई विल नॉट गिव यू एनी फेवर्स। ना मैं आपको पैसे ज़्यादा करूँगा, ना मैं आपको परमिशन ज़्यादा करूँगा, वॉट एवर इज़ गोइंग टू हैपन विल हैपन अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एंड माई व्यू इज़ कि दिस इज़ दी ओनली वे टू प्रोमोट दी ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। उनको पता है कि यहाँ पे इसके लॉबिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़ दें, अपने काम पे मरकूज हो जाए। सो दिस इज़ वन पॉलिसी चेंज दैट आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस। बट लेट मी कम टू द लास्ट एंड आई थिंक द मोस्ट फंडामेंटल पॉइंट, विच इज़ दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री इज़ एबिस्मल। इसमें बहुत ज़्यादा डिटीरेशन आई है एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू से, एंड सिंस दिस इज चैटम हाउस रूल आई विल से कि ये HEC के आने के बाद आई। इनफैक्ट आई वुड से द फॉलोइंग कि HEC के आने के बाद दो डिग्रियां ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी जूं की तूं बरकरार रही है या शायद इम्प्रूव भी हुई हो, और वो दो डिग्रियां वही हैं जिनको HEC ने रेगुलेट नहीं किया, नेमली मेडिकल एंड इंजीनियरिंग को हमने रेगुलेट नहीं किया, उनकी क्वालिटी बेहतर है। जिनको हमने रेगुलेट किया उनको हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, एक्सीडेंटली नुकसान नहीं पहुंचाया, जानबूझ के नुकसान पहुंचाया। दैट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग दैट एवरीबडी इन दिस कंट्री हैज़ टू नो। आई डोंट वॉन्ट टू से इट पब्लिकली बिकॉज आई एम द चेयरमैन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपको भी पता होना चाहिए and through you people should know. The worst destruction that has taken place is in something called the PhD degree. PhD degree to yahan pe HEC ne introduce ki forcefully ki aapne deni hai, koi uske standards nahi banaye, koi uski monitoring nahi banayi, balki university ko ye kiya ki agar aapne ye degree issue kar di to aapko fayda milega aur aapke professor ko bhi fayda milega. Now this is the surest way to ensure ki degree ki quality usme jayegi, pataal mein jayegi. This is the surest way to ensure. Agar main aapse keh dun ki ji aap ko ye kaam karna hai, jaise hi aapne kaam pura kiya without regard to quality, jaise hi aapne kaam pura kiya aapko paise milenge, koi quality ke bare mein aapse poochhgach nahi ki jayegi, तो आपका इंटरेस्ट ये है कि जल्दी से जल्दी जितने होते जाएं उनको निकालते जाएं। पर वही काम हमने शुरू कर दिया एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो भी हम निकालते गए दोज पीपल आर नाउ डिफाइनिंग द नेचर ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री एंड दैट प्रोसेस कंटिन्यूज टू दिस डे। मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। मिसाल नंबर एक ये है कि अभी जो नए PhDs हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें हमारे जो कुछ ऐसे दोस्त ममालिक हैं जहाँ पे हमारे लोग जाते हैं उनकी भी
अपने लिए अच्छा अच्छा प्रोग्राम है, हमारे लिए जो है वो उसी तरह से वो करते हैं। अभी नए प्रोफेसर्स के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है IPFP, इंटरिम प्लेसमेंट ऑफ फ्रेश PhDs। तो वो पहले भी होता था, मैंने उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाई। उसमें मैंने एक असेसमेंट टेस्ट लगाया एक्सरसाइज के, यार पता तो चले कि इनको क्या वीकनेसेस हैं, क्या गैप्स हैं, एंड ताकि हम उसमें कुछ कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। नाउ अगेन आई वोंट से इट पब्लिकली, बट 534 लोगों ने इम्तिहान दिया। इफ आई गिव द एक्यूरेट पिक्चर, 6 पीपल पास द एग्जाम। दिस हैज ऑलरेडी कम इन द प्रेस पहले। अच्छा, क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या आपने वाकई ये बात कही, मैंने कहा कि मैंने, मुझे नहीं पता। अच्छा। तो उसमें सवाल हमारे ज़्यादातर दो टाइप के थे। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, दे वर फोकस्ड रियली ऑन व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज एकेडेमिया, एकेडेमिक कम्युनिटी क्या है। क्योंकि PhD जब आप करते हैं तो देर आर, यू लिव इन एन एकेडेमिक एनवायरमेंट, तो आपको आप उसके बारे में, आप चाहे आपको कोई बताए ना भी, तो आपको एक ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाते हैं। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी के क्या, तो ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, इन चीज़ के बारे में हम सवाल, और थोड़े से हमने एसे टाइप क्वेश्चन भी कर दिए। एंड अगेन आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स। देखें, एक नहीं बल्कि 3 सवाल जिसके बहुत ज़्यादा नंबर थे, तो हमारा ख्याल था कि इस पर लोग मेहनत करेंगे। वो सिर्फ हमने ये पूछा कि एक 3 सफ़े का मजमून था, तो हमने ये कहा कि आप इसको एवेल्युएट करो। और ये भी हमने उनके लिए आसान बना दिया, हमने उसके 3 सवाल पूछे, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस पेपर, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ दिस पेपर, एंड हाउ वुड यू डू इट डिफरेंटली। ठीक है, ये 3 सवाल। नाउ द रीज़न वी आस्क दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आई एम एन एकेडेमिक, परवेज इज एन एकेडेमिक, नैयर इज एन एकेडेमिक, 90% ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंट इन रिव्यूइंग रिटन वर्क। स्टूडेंट ने इम्तिहान दिया, हमने उसको एवेल्युएट किया, इसको ए देना है, बी देना है, सी देना है। किसी ने जर्नल के लिए आर्टिकल भेजा हमारे पास, उन्होंने कहा इसको रिव्यू करें, छापना है नहीं छापना है, इसमें क्या खराबी। PhD किसी ने की, उसकी थीसिस को सुपरवाइज करना है। मेरे कॉलीग ने मुझे पर्चा दिया कि यार ये पर्चा है, ज़रा देख लो, इस पर मुझे एडवाइस दे दो। रिसर्च फंडिंग के लिए किसी ने अप्लाई किया, उसका 90% ऑफ आर टाइम इज स्पेंट इन डूइंग दिस। जब आप PhD करते हैं, ये शुरू से आपको प्रोफेसर सिखाते हैं। हाफ ऑफ द पीपल हु टुक दैट एग्जाम डिड नॉट राइट अ सिंगल वर्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल वर्ड। And of the other half, no more than 10 wrote something meaningful about this. ज़्यादातर ये था कि लेंथ बहुत छोटी है, अंग्रेजी ठीक है, या इस टाइप की, यार ये तो आपसे नहीं पूछा जा रहा। और फिर कुछ ये भी था कि जी मेरी फील्ड तो माइक्रोबायोलॉजी है और आपने हमें दे दिया। वो सब पर्चा क्या था कि जी किसी ने एक फोकस ग्रुप्स के थ्रू लोगों से इंटरव्यूज़ किए थे कि आजकल बड़ी बड़ी क्लासेज आ रही हैं, तो उनको हैंडल करना कैसे डिफरेंट है, उसमें उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो उन्होंने प्रोफेसर से पूछा कि जी आप बताएं, फिर उसको ऑर्गेनाइज कर दिया कि इतने लोगों ने ये कहा, इतने लोगों ने ये कहा। उन्होंने कहा जी ये तो मतलब है, हमारी तो माइक, तो मुझे याद पड़ता है कि मेरे पास, मैं जब इसमें डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होता है, कोई सिफारिश के लिए आया था कि किसी को स्कूल या कॉलेज में नौकरी देनी थी, तो वो तो मैंने पूछा बेटे क्या करते हैं आप, कहते नहीं मैंने MA हिस्ट्री के, वो कहने की हिस्ट्री आती है, कहते हैं जी अबूर है। तो मैंने वैसे ही, अब उस वक्त तो कोई और वो नहीं था चूँकि हम उस इलाके में, तो मैंने कहा अच्छा सिकंदर आज़म कौन से रास्ते से पाकिस्तान आया, हिंदुस्तान आया। कहने लगे जी तो जोग्राफिया का सवाल आपने पूछ लिया। तो इन लोगों ने हमसे ये, एंड रियली आई वॉज एक्चुअली क्वाइट शॉक विद। इससे भी बड़ी बात, हमने पूछा पिछले 12 महीने में आपने कोई किताब पढ़ी हो उसका नाम बता। 534 में से मैंने गिने हैं, 190 लोगों ने वो जवाब खाली दिया, मुफ्त के नंबर थे, नहीं लिए। एंड ऑफ द रिमेनिंग अगेन नो मोर देन अ हैंडफुल एक्चुअली गेव अ मीनिंगफुल आंसर। कुछ कई आंसर्स ऐसे थे, परवेज विल लाफ एट दिस, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स, नथिंग एल्स।
ना ऑथर, ना एडिशन, ना ईयर, ना कुछ. यार प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स की तो 100 किताबें हैं. एंड दिस और इफ एनीबडी हु हैड रेड एनीथिंग इन द 21st सेंचुरी, देयर वर नो मोर देन अबाउट 10 पीपल. कुछ ऐसी मुझे कुछ के बारे में लगता था कि शायद वो हो, लोगों ने नकल की हो, क्योंकि शाहबनामा बहुत पॉपुलर था, तो कई लोगों ने पॉलो कोएलो का अल्केमिस्ट. मैंने कहा यही होगा कि ओ तू क्यों लिखे. मैं अल्केमिस्ट, अच्छा मैं भी. आई मीन आई डोंट नो, 1986 की किताब है. व्हाई इज सडनली पीपल राइटिंग इन 2020 यू नो आर ऑफ सच ए लार्ज नंबर इसको. एनी वे, और कुछ तो माशाल्लाह उन्होंने हमें इंटिमिडेट करने के लिए लिख दिया कुरान शरीफ. 50 के करीब लोगों ने लिख दिया. तो यू नो सो, बट आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स आफ्टर. हमने कहा जी टीचिंग, आप बताएं टीचिंग, आपकी क्या फिलोसफी, हाउ वुड यू लाइक टू टीच. हाफ ऑफ द आंसर्स वर एम्प्टी एंड द अदर आंसर्स हैड रियली नो सब्सटेंस अबाउट. सो वी वर वेरी वेरी शॉक्ड बाय दिस. हमने फिर अब जाके उसी चीज़ के ऊपर फिर फोकस करके हमने कहा इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए, फिर उनको उसमें मोबिलाइज किया. उम्मीद है कि उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन ये एक दिन दो दिन की बात नहीं होती, ये तो कंसिस्टेंट हुआ. लेकिन अब हमको एक थोड़ा सा डेटाबेस मिल गया कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करेंगे इसको कैसे आगे.